आज की हमारी रेसिपी है मुगलई पराठा, जो होती है एग रेसिपी, जिसकी वजह से ये बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी भी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले स्टेप होता है डो गूंद के तैयार करना, जिसके लिए हमें चाहिए एक परात और एक कप रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है या फिर आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 50-50% आप इसमें दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब एक चम्मच हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, इसकी जगह आप घी या फिर पीनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच शुगर और आधा चम्मच सॉल्ट यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो टेस्ट होता है बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब इसके बाद हम लेंगे पानी। जो हमारा पानी है वो यहाँ पे हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है वो भी चलेगा। उसकी हेल्प से अच्छे से नीट कर लीजिए। एक बारी में आपको ज़्यादा पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिस अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से ये आटा गीला हो सकता है। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप यहाँ पे एक टेबल स्पून ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आराम से पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आटा गूंद के मतलब सिर्फ यहाँ पे बाइंड अप करना है। तो देखिए आटा यहाँ पे 2-3 मिनट बाद बाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद ज़रा सा पानी और लेना है और इसको काफ़ी अच्छे से इस तरीके से नीट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे परात यूज़ करी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको काफ़ी फैलाते हुए अच्छे से नीट कर पाऊँ। नीटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और इसी की वजह से जो हमारा डो होता है, पराठा होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है और काफ़ी अच्छे से फूल भी जाता है फ्राई करने के बाद। पहले स्टार्टिंग में आटा हल्का सा चिपचिपा यानी स्टिकी फील होगा, लेकिन उसके बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो डो था वो बिल्कुल बनके तैयार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। इसको मैं इस तरीके से अंदर की साइड टक इन करूँगी, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाएगी और ये काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी बनके तैयार होगा। अब एक चम्मच हम रिफाइंड ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि इसके ऊपर एक क्रस्ट ना जमे, और इसको कवर करके रख देंगे करीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी एग स्टफिंग बनाएंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एक कॉफ़ी मग, जिसमें मैं डालूँगी 3 वाइट एग्स। आप इसकी जगह जो ब्राउन एग्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 परांठे बनाऊँगी और उसी के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्स यूज़ करे हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड पेपर और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी फाइनली चॉप करे हुए कोरिएंडर लीव्स और फाइनली चॉप करी हुई 1/2 टीस्पून ग्रीन चिलीज। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे कोई भी वेजीज यूज़ नहीं करी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अनियन, कैरेट्स, पीस या बीन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको दूसरी सब्ज़ी पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट इसका एनहेंस ही करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा डो था वो बिल्कुल हल्का सा राइज यहाँ पे हो चुका है। अब इसको निकालिए और एक बार इसको हल्के से नीट कर लीजिए। यहाँ पे हमें ज़्यादा नीट नहीं करना है, करीबन 30 से 40 सेकंड ही नीट करना है। इसको इस तरीके से रोल करके इसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, और इसके 2 बॉल्स बना लीजिए। अब एक बॉल आपको लेनी है और उसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से स्प्रेड करना है, और फिर एक रोलिंग पिन लेके इसको अच्छे से रोल आउट करना है। जो मैदा होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो आप इसको चाहे कितना भी ज़्यादा स्प्रेड कर लीजिए, बाद में
काफ़ी सिमट जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही बारी में इसको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी पतला ही रोल आउट करें, ताकि कहीं से भी मोटा ना रह जाए और फ्राई करते हुए ये कच्चा ना रहे। इसको हमें रेक्टेंगल शेप देनी है, तो रेक्टेंगल शेप बनके तैयार है और काफ़ी पतला मैंने इसको रोल आउट किया है। अब एक बार जो एग मिक्सचर था उसको विस्क करना है और इसके ऊपर पोर करना है। ये काफ़ी लिक्विडी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लोई टेक्सचर में नीचे को फ्लो करता है, इसलिए काफ़ी आराम से आपको इस स्टेप करना है। और देखिए साइड से बचाते हुए इसको बीचों बीच ही आप इस मिक्सचर को रखना है और इस तरीके से जो साइड्स हैं उसको ऊपर की साइड फोल्ड करना है। जो इसके साइड्स हैं उसको अच्छे से सील कर दीजिए, ताकि जो एग मिक्सचर है वो बाहर लीक आउट ना हो। तो हमारा यहाँ पे एक जो पैटीज थी वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है, जिसको मैंने मीडियम हॉट ही रखा है। काफ़ी तेज़ भी ये नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से इसमें डालिए आराम से और इसको फ्राई होने दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हल्का सा जो मेरा एग मिक्सचर था वो यहाँ से लीक हो चुका है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप इसे निकाल के खा सकते हैं। एक ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लीजिए गोल्डन फ्राई होने तक। फ्राई करने में आपको करीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। जो हमारी हीट होनी, मतलब जो फ्लेम होनी चाहिए वो मीडियम ही होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब 5 मिनट बाद इसको एक टिश्यू नैपकिन पे निकाल दीजिए, कुछ इस तरीके से। तो चलिए बनके तैयार है, अब हम गार्निशिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है और काफ़ी ईजीली ये कट हो रहा है। ये देखिए वाव, कितनी प्यारी लेयर्स बनके इसकी तैयार हुई हैं। जो मैदे की लेयर है बिल्कुल अलग है और ऑमलेट की लेयर भी काफ़ी अलग से यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। इससे पता चलता है कि जो हमारा पराठा है काफ़ी अच्छा बनके तैयार हुआ है। देखिए तो हमारा यहाँ पे पराठा बहुत ही सिंपल जो था बनाना, और बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी ये एग की वजह से बन जाता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स क्यू एंड बाय।